विविधताओं के इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है, पर इनमें से सबसे न्यारी हिंदी भाषा हमारी है। भारत में 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित की। लगा रहे प्रेम हिंदी में, पढ़ो हिंदी लिखो हिंदी, चलन हिंदी चलो हिंदी, पढ़ना उड़ना खाना सब हिंदी। नमस्कार मित्रों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पावन अवसर पर राष्ट्रीय शक्ति विद्यालय के बच्चे एक हास्य कवि सम्मेलन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये कविताएं काल्पनिक है और इनका उद्देश्य केवल श्रोताओं का मनोरंजन करना है। आइए इनका स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट से करते हैं। सामने राजी कलियों के नेताओं का चित्रण प्रस्तुत करने जा रही हैं। नेताओं का बल। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव। जनता सारी भूखी मरे मंत्री खाए मेवा, कुर्सी के खेल में अंधे भाए नेता। वादों की नाव को कोई नहीं खेता, मांझी के तेवर हुए जानलेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक नहीं दो नहीं सब भ्रष्टाचारी, जुल्म इनके सह रही जनता बेचारी। गरीबन के खून से ये करे कलेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। प्यासन को लोटा दे तो भूखन को थाली, प्यासन को लोटा दे तो भूखन को थाली, चमचों को मौका दे और उनको गाली। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। धन्यवाद। क्या बात है। अब आपके समक्ष वंशिका परीक्षा पर एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हैं। सुबह से शाम तक पप्पू जप रहा भगवान का नाम, जब भी परीक्षा आवे पप्पू बोले हाय राम। जादू टोना तंत्र मंत्र काम न कुछ भी आ रहा, अरे ये तो परीक्षा का समय है, न जाने कब मिलेगा हमें से छुटकारा। न जाने कौन वो मानव था जिसने हमसे दुश्मनी निभाई, न जाने किस बदले के खातिर उसने ये परीक्षा बनाई। इसके जाल में जो कोई फंसता वो जीता ना मरता है, बस लगे रहो सुबह और शाम क्योंकि परीक्षा ही करता धरता है। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा, परीक्षा तो करता धरता ही है। अब आपकी समक्ष नैन्सी मॉनिटर से परेशान है, वो अपनी इस व्यथा को एक कविता के द्वारा प्रस्तुत करने जा रही है। जो क्लास में बने मॉनिटर पूरी शाम दिखाते हैं तो डरता कुछ भी नहीं, पर हम पर रोक जमाते हैं। जब क्लास में टीचर नहीं तो खुद टीचर बन जाते हैं, कॉपी पेंसिल लेकर बस नाम लिखने लग जाते हैं। खुद तो हमेशा बातें करें हमें चुप कराते हैं, अपनी तो बस गलती माँ हमें बलि चढ़ाते हैं। क्लास तो संभाल पाते नहीं, बस चीखते और चिल्लाते हैं भगवान बचाए मॉनिटर। अभी कहाँ चलिए मित्रों, अभी तो इस सम्मेलन में अनेकों सिद्ध सलाद बाकी है। अब आपके समक्ष शेखर अपने सपने को एक कविता के द्वारा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जब मैंने आंखें खोली थी तोंद के ऊपर हाथ फिरा के, तोंद तो मेरी मोटी थी, गेंद के जैसी फूल चुकी थी, हवा बहुत ही भरी थी, ना हिलती थी ना डुलती थी, एक जगह ही चिपकी थी। फिर ना जाने क्यों भूख तो उसको लगती थी, खाना ढूंढा इधर उधर, आंखें गईं जिधर गिधर, भूख से वो तो व्याकुल थी। हलवा पूड़ी चाट पकोड़े उसको बहुत ही भाते थे, ना चक्कर जाने उसको यह विचार कहां से आते थे। बस हो गया मोटापे को कम करने का अब तो मैंने ठाना है, सुबह सुबह दौड़ने का कार्यक्रम मुझे बनाना है, सुबह सुबह दौड़ने का कार्यक्रम मुझे बनाना है। धन्यवाद। आपके सामने शिवेन त्यागी एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मोटू राम भाई मोटू राम, दिन भर खाए जाए आम, पेट को ना दे जरा आराम, मोटू राम मोटू राम, स्कूल जब जाए मोटू राम, दोस्त सताए खुले आम, दोस्त सताए खुले आम, मोटू तू है तंदू राम, हमारी कमर तेरा गोदाम, हमारी कमर तेरा गोदाम, हमारी कमर तेरा गोदाम,
रोते रोते घर को आए, सर उठाले पूरा धाम, सर उठाले पूरा धाम, माँ पुचकारे छोटू राम, रो मत बेटा खा ले आम, रो मत बेटा खा ले आम। एक दिन पेट में हुआ सड़ाम, डॉक्टर के पास मोटू राम, डॉक्टर ने लगाई सुई, मोटू बोले राम राम हरे हरे राम। तब जाने सेहत का दाम, मोटू ने करा शुरू व्यायाम, मोटू ने करा शुरू व्यायाम, धीरे धीरे मोटू राम बन गए पतलू राम। धन्यवाद। आज मैं कार्गी आपके समक्ष एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भोली सूरत वाले शैतान बड़े होते हैं। कौन कहता है ये नादान बड़े होते हैं, कौन कहता है ये नादान बड़े होते हैं, भोली सूरत वाले शैतान बड़े होते हैं, भोली सूरत वाले शैतान बड़े होते हैं। टीचर है हम, टीचर है हम, ये हमको पता है, टीचर है हम, ये हमको पता है, दिमाग में दिमाग इनका शरारत भरा होता है, दिमाग इनका शरारत भरा होता है, नन्ही सी शरारत पर इल्जाम बड़े होते हैं, नन्ही सी शरारत पर इल्जाम बड़े होते हैं, भोली सूरत वाले शैतान बड़े होते हैं, भोली सूरत वाले शैतान बड़े होते हैं। धन्यवाद। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। इसलिए आइए आज हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम हिंदी भाषा के महत्व को याद रखते हुए इसे और भी अधिक सजग बनाने का प्रयास करते रहे। हिंदी दिवस पर्व है, पर हमें इस पर गर्व है। सम्मानित हो हमारी राष्ट्रभाषा, हम सबकी है यही अभिलाषा। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र शक्ति।